नमस्कार, मैं आचार्य लोकेश धमीजा। न्यूमरोलॉजी राशिफल में आज बात करते हैं 8 जनवरी 2022 की। मूलांक नंबर 1, जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है नंबर 1। आज के दिन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण वर्क हैम्पर हो सकता है। आज आपको अपने सारे काम अकेले ही पूरे करने होंगे। दिन की शुरुआत तो एनर्जी के साथ होगी, लेकिन शाम होते होते मेंटल एंड फिजिकल टाइर्डनेस आपको फील करेगी। यदि कुछ समस्या लगे तो आज काले और नीले रंग के कपड़ों का सेवन मत कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 2 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है नंबर 2। ऑफिस में जूनियर स्टाफ के साथ बहस हो सकती है, आपके कलीग्स आपकी सोच में असहमति दिखा सकते हैं, हालांकि सीनियर से आपको सपोर्ट मिलेगा। शाम के समय फैमिली के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। बाहर डिनर के लिए भी आज आप जा सकते हैं। रात में दूध का प्रयोग मत कीजिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 3 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है नंबर 3। मूलांक 3 वाले व्यक्ति आज प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के रुके हुए मामले आपके हक में आ सकते हैं। ऑफिस में भी आज आप अपनी सभी काम पूरे कर पाएंगे और सफल रहेंगे। किसी नए काम की शुरुआत में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि दिन आज आपके लिए प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लाएगा। यदि कुछ समस्या लगे तो काले चनों का दान कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 4 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है नंबर 4। आज आपको अचानक धन लाभ के कुछ अवसर प्राप्त होंगे, जिन्हें आलस्य के कारण अपने हाथों से निकलने ना दें। अभी फिलहाल के लिए किसी नए काम की शुरुआत से बेहतर है अपने पुराने अधूरे कार्यों को पूरा करें। दिन आपके अनुकूल है, व्यर्थ की मौज मस्ती और ख्याली दुनिया में रहकर समय बर्बाद ना करें। यदि कुछ समस्या लगे तो किसी जरूरतमंद को भोजन करवाइए, आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 5 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है नंबर 5। आज कोई भी कार्य या फैसला करने से पहले गंभीरता से विचार कर ले, नहीं तो परिणाम विपरीत मिलेंगे। और जीवन साथी की सलाह आपके लिए आज फायदेमंद रहेगी। काफी लंबे समय से चली आ रही किसी बीमारी से राहत मिलेगी। काली उड़द की दाल को जल प्रवाह कीजिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 6 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है नंबर 6। आज पूरा दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। प्रॉपर्टी में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। पुराने समय से अटके हुए कानूनी मामले आपके हक में आ सकते हैं। घर के सामान की खरीदारी पर भी आज पूरा परिवार जा सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। यदि कुछ समस्या लगे तो जंग लगी हुई चाकू या लोहे की कोई भी वस्तु घर से बाहर निकालें, आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 7 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है नंबर 7। आज किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर विजिट करते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतें, दुर्घटना के योग बनते हैं। लोहे का औजार सावधानी से इस्तेमाल करें। किचन में चाकू छुरी का प्रयोग भी सावधानी से इस्तेमाल करें। और आलस्य के कारण आज देरी हो सकती है, थोड़ा संयम रखिए। अधिकांश समय आज आप घर पे ही बिताएंगे। यदि कुछ समस्या लगे तो सरसों के तेल में छाया दर्शन देकर शनि मंदिर में दान कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 8 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है नंबर 8। आज के दिन शुरू किया गया काम आपको भविष्य में लाभ देगा। वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन बहुत शुभ रहने वाला है। ऑफिस में किसी फीमेल कलीग से आपको सहायता मिलेगी। आलस्य को त्याग कर आज के दिन का सदुपयोग करने की कोशिश कीजिए। यदि कुछ समस्या लगे तो शनि देव जी के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 9 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है नंबर 9। जमीन जायदाद संबंधी मामलों को लेकर आज बहस हो सकती है। कोर्ट के मामलों में फैसला आने में अभी और समय लगेगा। वर्क प्लेस पर किसी कर्मचारी के साथ बहस में ना उलझें, यह बात आपकी इमेज को खराब कर सकती है। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। आज हमने बात की 8 जनवरी के राशिफल की। कल मिलते हैं 9 जनवरी के साथ। नमस्कार।